पधारो मारे आनन जी तने बिनती देवा कर थोड़ा घूम विष्णु आव जो जी थारो सुमलो रचावा थारो साजन लगावा थारो मारे आंगन जी थाने बिनती देवा कर थोड़ा घूम विष्णु आवियो जी थारो सुमलो रचावा सारो लगन लगाना ओम विष्णु नाम है जी थारो गचा प्यापस आप सदाई करो सायता जी ओम विष्णु नाम है जी थारो गचा प्यापस आप सदाई करो सायता जी हमें बेटा बुलामा जी थारो जागन लगामा जी थारो मारे आंगन जी थाने बिनती केवा करे जोड़ ओ मैं विष्णु आरियो जी थारो सुमलो रचावा जी थारो जागन लगामा हुकम थारो मानियो जी जद हुकम थारो मानियो जी जद जमो जी आया पधार समर थर धोरी यदि थारो हुकम बजावा जी थारो बजन लगावा जी थारो मारे आंगन जी तने बिनती देवा कर जोड़ ओम विष्णु आरियो जी थारो जागन लगामा जी थारो सुमलो रचामा जी जाबो जी ये जाबे जी जमो तोरियो जी कोई हमरा खड़े रे वास महिमा खड़े नामारी जी ने तो हरदम गामा जी थारो जागन लगामा जी थारो मारे आंगन जी तने विनती केवा करी थोड़ो मैं विष्णु आइयो जी थारो जागन लगामा जी थारो सुमलो रचावा ये दू जोड़ो जमो बाजे धीरे घर जाए दू जोड़ो जमो बाजे धीरे घर जाए जाम्बे जी जद राजी आजी जाम्बो जी जद राजी आजी ऐसो भाव बधावा जी थारो जागन लगावा जी थारो मारे आंगन जी तने बिनती केवा करे जोड़ ओम विष्णु आरियो जी थारो सुमलो रचावा जी थारो जागन लगावा और हे सजनों भगवान ओम विष्णु को बुलावा जी हम आपको भी बतावा जी नृसिंह रेडियो सेंटर पंचारिया मार्केट एवं मारवाड़ी म्यूजिक सेंटर बस स्टैंड नोखा इस गायन प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे इस गायन प्रोग्राम में साथ देने वालों में ढोलक मास्टर सुगना राम जी और इधर जो है घुंघरू बजाने वाले बजरंग जी और खंजरी करताल बजाने वाले गोवर्धन जी भगवान ओम विष्णु की महिमा
भगवान ओम विष्णु का आवाहन, गायक बजरंग रामचरण ओम विष्णु शरणम। भाव बस देखी योगी जसे जाम्बो जी गए सीधाय ज्योति में थाने देखी आजी सारी ज्योति लगावा जी करो जागरण लगावा जी करो हरे आंगन जी थाने विनती सेवा करे जोड़ ओम विष्णु आई योगी करो मालो बचावा जी करो जागरण लगावा जी माला तो थारे नाम रिजी ए माला तो थारे नाम रिजी बोला थारे नाम जयकार सुनियो जयकार रिजी जयकार लगावा जी थारो जागरण लगावा थारो मारे आंगन जी कने विनती सेवा करे जोड़े ओम विष्णु आरियो जी थारो घुमल रचावा जी थारो सजन लगावा जी भुला जायो हरे नाम रोजी ने तो तू तो सिंहासन पात बिराजो जद आय से जी थरो दर्शन पावा जी थरो लगन लगावा जी थरो मरे आंगन जी थने उनकी सेवा करी जोर ओम विष्णु आरियो जी थरो लगन लगावा जी थरो मलो रचावा जी करण सन विनती करे पुकार ओम विष्णु देख लो जी थने शनिवावा जी करो जगन लगावा जी ओम विष्णु आयो जी थने विनती सेवा करे जोड़ ओम विष्णु आयो जी थने विनती सेवा करे जोड़ ओम विष्णु आरियो जी थरो तुमलो रचावा जी थरो सजन लगावा जी ओम विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ओम विष्णु के जय के अंदर कितना सुंदर गुंजार हुआ ढोलक सहित। हाँ, क्योंकि अब ये 5 भजन हुए हैं और साथी का नंबर लगता है। कलयुग में जाम्बो जी आया ओम विष्णु शरमाई जीवन कलयुग में जाम्बो जी आया ओम विष्णु शरमाई जीवन सतयुग में प्रहलाद भगत को बाचा नृसिंह सुनाई जीवन में जीव तारण की जुग 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 की बनाई जीवन पाँच छोड़ पहला के संग में सतयुग में पहलाई जीवन सात छोड़ हरिचंद के संग में श्वेता युग के मानी जीवन द्वापर राव युधिष्ठर संग में मोक्षोड़ांगत पाई जीवन बारा छोड़ सुधारण खातिर बाली जम्बकी आई जीवन
बादर देश पिपासर नगरी रियासना गोर बताई जीवन लोहक पवार हंसा भकियानी भगति करी चितलाई जीवन उनके पर हुए जानोजी लीला घनी खाई जीवन पाल करावे पखंड चुरावे ओम विष्णु शरणाई जीवन कोरख गुरु समर फल धोरा समर फल धोरा आसन दिया लगाई जीवन पंद्रह धोगे ताल बयाले बाजड़ भयो सुखदाई जीवन बड़ा भयंकर काल दुष्ण होड़े लोग मऊ मालवे जाते रोकी अनदे प्राण बचाई जीवन दुर आचार धर्म मानव का सबको दिया सिखाई जीवन पर उपकार ओम विष्णु की पूजा एक रखाई जीवन बजरंग राम करण कथ गावे ओम विष्णु सुखदाई जीवन कलयुग में जानो जियाया ओम विष्णु परमाई जीवन ओम विष्णु भगवान की जय। क्योंकि इसमें ज्यादा अर्थ विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके भावार्थ सरल हैं और समझ में आ ही रहे हैं, क्योंकि ये जने जागरण का विधान है, ओम विष्णु की महिमा है। इसलिए श्रवण करने से ही बड़ा भारी धर्म और पुण्य होता है और श्रवण करने से बेड़ा भवसागर से पार होता है। जामोजी कहते हैं कि ओम विष्णु भन अजर जरी जे धर्म होया पापा छूटी जे पापों से छुटकारा मिलेगा तो सुख अपने आप ही आ जाएगा। क्यों कि जितने भी दुख हैं वो इस पाप रूपी वृक्ष के लगते हैं और जब ये पाप रूपी यानी फैक्ट्री जो पाप रूपी फैक्ट्री है इसमें सारे ही दुख उत्पादन होते हैं। जब पाप की फैक्ट्री ही मिट जाएगी तो फिर दुख उत्पादन कहाँ से होगा, फिर प्राणी स्वतः ही सुखी हो जाएगा। इसलिए प्राणियों ओम विष्णु के नाम का स्मरण करो। जामोजी कहते हैं तपत बुझे धारा जल भूठा यूं ओम विष्णु भरंता पाप खयो। तो जब जामोजी सम्राट धोरे पर बैठे थे उस समय की बात है, जामोजी सम्राट पर जब देखा आसन धार यो जानो जी समल पर जब देखा आसन धार वो स्वर्ग दिखा कर फूल सब शंका निवार पंद्रह सौ बनाई विक्रम समारो लागत आठम तिथि एक पहर जब ओ मैं शुभ देता कल से हाथ जामोजी मन का बात कर विधि विधान जगह पाला
भाई तैयार। आई पहलो फूल पवारो एक प्याले सुपाले दियो रंग पूर्ण छठी से समारो एक प्याले पाले दियो रंग पूर्ण छठी से समारो ये कहूँ चकता मिले मान पाल लीजे उड़ो उतम चुरी से उतम भाई कारण किया सारो असम अमावस पथ जायो इकतारो वे भव सागर की जागे जागो सब नर नारो जियो ताज हुए भले जीरे को कलरे जमो की मारो ओ मरीज तू ये कंगूर सब जग रचने हारो जियो जय जीवना पूजियो भाई उनका नहीं है तुम्हारो जियो बजरंग राम करण गाऊ एक ओ मारी हारो जियो शंभो जी कमरा करी भाई देखा आसन धारो जियो शंभो जी कमरा कल ओम विष्णु भगवान की जय। हा प्रगट कियो पंथ ओम विष्णु ई पहलो पुहल पवार एकण प्याले सू पाल दियो संग पूर्ण छतीस संभार किसी से कोई प्रकार का जाबोजी ने भेदभाव नहीं किया छत्तीस प्रकार की पूर्ण को एक प्याले से पाल दिया उनतीस धर्म नियम दिया उनतीस धर्म नियम दे करके एक ही उपाय से देव ओम विष्णु का बताया इस प्रकार से काज हुए भल जीव को टले जमो की मार ओम विष्णु एक मूल है सब जग रचने हार। अब आप जो हैं उनतीस धर्म नियमों का विचार करेंगे धर्म नियम उनतीस पाले ज्ञान लगाई जीवन धर्म नियम उनतीस पाले ज्ञान लगाई जीवन ओ मरी सुता नाम सुनिए ओ वै जीव भलाई जीवन चलो धर्म गीत दिन तकर फिर चलू आवाजी जीवन तू जो धर्म पाँच दिन नारी मासिक धर्म रखाई जीवन तू जो धर्म पाक युग चलरी करो स्नान सफाई जीवन धर्म शील को रखना ताकत रहे सवारी जीवन धर्म पांचवा लालच करिए रखो संतोष सदाई जीवन सदा भाई हर प्रकार उस भाई जीवन सदा धर्म परी करे
रहना हर प्रकार धर्म सातमा तीन ताल की संध्या नवन बताई धर्म आठवा ओम विष्णु की आरती गाई में नवा हवन करो भारी शुद्ध वातावरण रहाई में नवा धर्म हवन करो शुद्ध वातावरण रहाई में दसवा धर्म दूध जल ईंधन दूध जल ईंधन खान फिर पर धर्म ग्यारहवा पानी खानो ये बोल में धर्म बारहवा समारूप तप दया रखो पूरमानी तेरवा चोरी ना करियो चोरी ना करियो चोरी रे पाप दुखदारी जीवन धर्म चौथवा निंजा दोष है निंजा ना करो पराई जीवन धर्म चौथवा निंजा दोष है निंजा ना करो रे पराई जीवन धर्म पंदरवा धर्म पंदरवा झूठ बोल मत झूठ नर चले जाई जीवन धर्म सोलवा पूरा बाद है बाद विवाद हटाई जीवन धर्म सोलवा पूरा बाद है बाद विवाद हटाई जीवन धर्म सतरवा व्रत अमावस भजन करो चितलाई जीवन धर्म सतरवा व्रत अमावस व्रत अमावस भजन करो चितलाई जीवन धर्म अखार इष्ट एक ही ओम विष्णु शरणाई जीवन धर्म अखार एक इष्ट ही ओम विष्णु शरणाई जीवन धर्म अहिंसा दया जीव पर धर्म अहिंसा भाई जीवन धर्म ईश्वा हरे दक्ष को सातो ना कतवाई जीवन धर्म ईश्वा हरे दक्ष को नाघाओ नाघाई जीवन धर्म ईश्वाल पास को करिए अजर जराई जीवन धर्म पावी कर सोई कर अन्न पानी शुद्धताई जीवन धर्म पेरी सात बकरों की पालो होवे पिताई जीवन धर्म चौबीस दिल को बदिया दिल को बदिया करिए नायक साई जीवन धर्म पचीस अमल को छोड़ो अमल कदे ना खाई जीवन धर्म छबीस तमाचू कजो धूम्रपान सगराई जीवन धर्म सताई
पानी सा भांग मत पीना, बुद्धि अकल नसाई जीवन धर्म अठाई समात भयारे धर्म अठाई समात मत बुरा मुख से नाम ना लाई जीवन धर्म पूरे गुणतीस नील तक ओम विष्णु नाम धराई जीवन बजरंग राम करण नित शरण ओम विष्णु कसाई जीवन धर्म नियम गुणतीस पालिए भैया धर्म नियम गुणतीस पालिए होवे जीव सुखदाई जीवन ओम विष्णु भगवान की जय। देखिए कई बार जमे जागरणों में कई सज्जन लोग कह देते हैं कि भाई जो जांबोजी ने धर्म नियम बताए थे उनका प्रचार किया ही नहीं, क्योंकि कई भाई लोग आकर के जमे जागरण में सो जाते हैं और खूब नींद लेते हैं और जब जागते हैं तब तो समझो जिस प्रकार से कोई भाई जो है गाड़ी चढ़ने के लिए और रेलवे स्टेशन में जाता है और गाड़ी तो अपने समय पर आती है और चली जाती है और भाई स्टेशन में जाकर के सुख भर नींद सो जाता है, जब गाड़ी सिंगल से टप जाती है तो बाद में पीछे दौड़ता है कि भाई गाड़ी गई है, तो भाई गाड़ी की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम सो गए और गाड़ी सिंगल से निकल। इस प्रकार से जो जमे जागरण में जाकर के सो जाते हैं और जागते हैं तब गाड़ी सिंगल से निकल ही जाती हैं और फिर कहते हैं कि भाई जमे जागरण में क्या सुनाया, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, तो ये गलती सुनाने वालों की नहीं है, सुनने वाले की है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जहां मेले होते हैं वहां लोग जाते हैं और फालतू इधर उधर की बातें करते हैं या झगड़ा करते हैं, लड़ाई दंगा फसाद करते हैं, तो फिर भाई ये मेले हैं, जात हैं, जमात हैं, ये संसार में कोई लड़ाई दंगे फसाद के लिए नहीं है, ये तो ऐसे विधान बनाए गए हैं कि हम मानव लोग सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित होकर के और अपनी मानवता के बारे में विचार करते हैं और भगवान ओम विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, तभी ये हमारे लिए सारी बातें विशेष हैं। और जब जो हम केवल जाति का अभिमान करें या जमात बना करके किसी का नुकसान पहुंचावें या मेले में इस प्रकार से अपनी जो है वहां बड़ाई का प्रदर्शन करें तो ये मानवता नहीं है, ये तो मानवता का हनन है। इसलिए मानवता की मानवता को जागरूक करने के लिए ही ये जात और जमात मेले आदि विधान ठीक हैं, नहीं तो एक दादू जी कवि हुए हैं, उन्होंने भगवान ओम विष्णु की दया से कहा है कि भाई जात काल जमात काल मेला ढोला महाकाल दादू इतना दीजिए टाल। तो जमे जागरणों में जाओ, सत्संग में जाओ, मेलों में जाओ, जहां भगवान ओम विष्णु की महिमा के कैसेट मिलते हैं तो वहां जाकर के भी अपने को जो है ऐसा विचार करना चाहिए कि भाई भगवान ओम विष्णु की महिमा, जांबो जी का बताया हुआ धर्म नियम जो ज्ञान है वो हमारे को एक कैसेट के रूप में मिल रहा है, तो फिर ज्यादातर तो है हमें वहां मोल तोल नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी बात के लिए ऐसा होता है, हमने सुना है कि यहाँ मोल मोलाव के अंदर रुपये दो रुपयों के लिए गाड़ी भी जो है वो टपा देते हैं और फिर जो है अब भागे फिरते हैं कि भाई गाड़ी चली गई, न तो भगवान ओम विष्णु की कैसेट खरीदी और ना ही गाड़ी मिली, तो दोनों तरफ से गए। इस तरह इसलिए भगवान ओम विष्णु की महिमा के कैसेट खरीदते समय आप जो है ऐसे विचार न लाइए, छोटे विचार न लाइए, सावधानी करके भगवान ओम विष्णु की महिमा के कैसेट खरीदिए, क्योंकि ये जीवन का परम लाभ है। तो हम आपको ये बतला रहे हैं भगवान ओम विष्णु की महिमा, तो आप पहले जमे जागरण का विधान
जब जामो जी ने सम्राटल पर शुरुआत की, फिर बाजो जी के घर में जमे जागरण की जो है शुरुआत की गृहस्थी लोगों में, तो इस प्रकार से ये जमे जागरण का विधान जामो जी द्वारा यानी सम्राटल धोरे पर शुरू हुआ। पहलो जुमलो सम्राटल पर जामे जी था पर जायो जुमन, पहलो जुमलो सम्राटल पर जामे जी आ पर जायो जीवन, पंद्रह का समत पयाला आगन मास बतायो जीवन, पंद्रह का समत पयाला आगन मासे बतायो जीवन, सोमवार बती चवत समेलो समरा खड़े भरे वायु जीवन। पूजो तुम्हलो जैसा बीज में बाजे के घर आयो जीवन, जसरा सर माही जामे जी जमो लगायो जीवन, सांझे जमो सवेरे थापन सवेरे थापन गुरु की नाथ डरायो जीवन, वरसैल में चुमलो करिए हित कर जान सुनायो जीवन, प्रेम भाव सुन चुमलो रचाओ शुक्र पकर में भुलायो जीवन, साधन भजन ओम विष्णु को उनसे ही पाव बधायो जीवन, के सो कर्म करे जो प्राणी करे जो प्राणी वैसो ही फल पायो जीवन, ओम विष्णु का नाम साच है आजो नाम जपायो जीवन, निराकार वो साकार वो ही है साकार वो ही है ज्योति में दर्शायो जीवन, धर्म नियम गुण तीस बखाया भिन्न भिन्न कर समझायो जीवन, पूर्ण सतीस भेद ना कोई क्रिया सार रखायो जीवन, साधे मोमने साधे मोमने हुकम पारियो रल मिल जमो सवायो जीवन, जाए जीव कदे ना जपिए पाखंड गोर हटायो जीवन, नर नारी जुमले में आओ रामे जी फरमायो जीवन, हे बजरंग राम करण कैसा की ओम विष्णु गुण गायो जीवन, पहलो जुमलो समरा फल पर जामे जी आखिर गायो जीवन, पहलो जुमलो समरा फल पर जामे जी आखिर गायो जीवन, ओम विष्णु भगवान की जय। सजनों इस प्रकार से जब जामो जी ने पहले जामे जागरण की शुरुआत सम्राटल धोरे पर की, उस समय जसरा सर के बिश्नोई बाजो जी तरड़ जो भगवान ओम विष्णु के नाम का जाप करने वाले जो है सच्चे ओम विष्णोई थे, उन्होंने सम्राटल धोरे पर
एक भंडारा निश्चित किया। न्यात को भोजन जिमाने के निमित्त तो जहाँ सावन भादुओ नाम के दो बड़े बड़े कड़ाव थे सम्रातल धोरे पर जामोजी के समय में, तो एक कड़ाव को बाजोजी ने घी से भर दिया। किसी दुष्ट व्यक्ति ने उस कड़ाव की नीचे से मेख निकाल दी, घी सारा ढुल गया। बाजोजी घबराए, जामोजी के पास में आए, सारी हकीकत बताई। जामोजी ने कहा, घबराओ नहीं, मेख लगा करके कड़ाव को पानी से भर दो, ये चादर ले जाओ, चादर कड़ाव पर बांध करके पास में बैठ करके ओम विष्णु के नाम का स्मरण करो। जैसा जामोजी ने बताया बाजोजी ने वैसा ही किया। प्रातः काल देखते हैं तो पानी का घी बन गया, उसी घी से होमायत हुई और हलवा बनाया गया और न्यात को भोजन जिमाया गया। जो दुष्ट व्यक्ति था जिसने कड़ाव की मेख निकाली थी उसने भी वह भंडारे का भोजन किया, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया तुरंत। ये चमत्कार हुआ, वो हाथ जोड़ करके जामोजी के चरणों में पड़ा, तत्काल माफी मांगी। जामोजी ने कहा, ओम विष्णु के नाम का स्मरण कर और ले पहल पी, 29 नियमों को धारण कर और माफी मांग। तो उसने तत्काल भगवान ओम विष्णु के नाम का स्मरण किया, सब लोगों के सामने अपने जुल्म को स्वीकार किया, धर्म नियमों को धारण किया, तो सदनों उनका कुष्ठ रोग मिट गया, ये भी चमत्कार हुआ। तो इसलिए हमें जने जागरणों में जाकर के और कोई प्रकार का जो है किसी से द्वेष भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब द्वेष हम करते हैं तो ये बड़ी भारी एक गलती है हमारी, ये जो है सबसे बड़ा हमारा जुल्म है, जो मानव जन्म को हम जो है पशु समान समझते हैं। मानव जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए है, भगवान ओम विष्णु के नाम का स्मरण करो। बताया साकी ने, बजे ओम विष्णु कोई नाम पार लंगारे लो, ओम विष्णु को नाम पार लंगावे लो, बिना भजन चोरा सिर माय गोता खावे लो, बिना भजन चोरा सिर माय ये गोता खावे लो, किनर चोरे जगत सहमान उन्हें कोई जावे लो। किनरे रचो जगत सहमान उन्हें कोई जावे लो, जद भव सागर सुन पार कोई सिर जावे लो, हे मत करिए गर्व गुमान नाव डुबावे लो, यो अवसर मानव शरीर कया पछतावे लो, ओ स्वार्थ रो सब साथ आजो नहीं आवे लो, भाई रे सपन समझ संसार सपन मिलो, भाई रे सपन समझ संसार सपन मिट जावे लो, सतगुरु जी का भाई रे गुरु जी का वचन संभार बेदल खावे लो, ओ नित करम रवे तेरे साथ शुक्र तै कुमारे लो, नहीं तो मिनक तमारो दूर चणो पड़े जावे लो। ए अब घोर नींद मत सोय कौन जगावे लो, भाई हेरा हेला तने हेला मारे संत सुजान नहीं सुन पावे लो, तुरे तुमले जागनी जाय क्या नर चावे लो, ना मनुष्य जन्म भाई अरे ना होवे मनुष्य भगवान
ओई सतै भावे दू एक ओ विष्णु भगवान नियरे बिठावे लू ते ओर सभी ने थार कदे नहीं चावे लू जग जाया जीव अनेक भूल फंस जावे लू अरे ओ दिनो अब तने सितराय जान लगावे लू कह बजरंग राम करण गुरु दर्शावे लू भज ओम विष्णु कोई नाम पार लंगावे लू बोलो ओम विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से यमे जागरणों में आप सुनते हैं के पांचे जुमलों की जी, क्योंकि पांच साखियों का विधान जो है यमे जागरणों में मानते हैं, तो पांच भजन पांच साखी और पांच आरती। एक दृष्टांत सागर में दृष्टांत आता है कहीं से जो है नौ गाने वाले वो रास्ते रास्ते जा रहे थे और उनको रास्ते में तीन चोर मिल गए। चोरों ने उनको घेर लिया। चोरों ने सोचा ये गवैये हैं, इनके पास माया ठीक है, पैसे अच्छे हैं और इनको लूट लो। अब चोरों ने घेर लिया नौ गवैयों को। गवैये घबराए, बोले भाई हम तो गाने वाले हैं। बोले गाने वाले हो तो हमें गाना सुनाओ। गवैयों ने सोचा हम तान वान में इनको रिझा लेंगे और ये हमारे को लूटेंगे नहीं। अब गवैयों ने गाना शुरू किया। अब तान वान जचाई, पर देखो एक तो प्रेम से गाया जाता है, जब श्रद्धालु लोग सुनने के इच्छुक होते हैं तो वहाँ गाने वाले की भी श्रद्धा बढ़ती है, मगर यहाँ तो लूटने का साधन बना हुआ था क्योंकि उनको तो लूटने के लिए नगद चोर सामने बैठे थे। अब गवैयों की बेचारों की तान मान कहाँ जची। कोई ढोलकी किधर बजा रहा है, कोई तबले किधर बजा रहा है, हारमोनियम की सुरावट कहीं जा रही है। चोरों ने सोचा कि ये हमारे को उल्लू बनाते हैं। चोर बोले भाई क्या हम कोई गाना बजाना नहीं जानते। अरे हम तो बहुत फिल्म देखते हैं भाई, हम तो गाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा हमारे को बेवकूफ मत बनाओ। बैठे बैठे जो तुम गा रहे हो ये अच्छी तरह से गाना नहीं होता, खड़े हो जाओ और नाचो और गाओ। अब बेचारे गविये जो है मुसीबत में फंस गए। उन्होंने सोचा भाई यो इनको खुश नहीं करेंगे तो ये हमारे को लूट लेंगे, दो चार महीनों की कमाई व्यस्त चली जाएगी, क्योंकि घरे तो वे जाने ही अभी बाबू आवे बाटी लावे। हाँ तो अब जो है बेचारे अपने बचाव के लिए गवे खड़े हो गए, नाचने लगे, ताली बजाने लगे, घूमर डालने लगे, मगर डरता डरता हुआ। अब इधर से जो है चोरों ने सोचा कि ये अच्छी तरह से नाच भी नहीं रहे हैं, इनका मन न नाच में है, न गाने में, न साज में, ये कुछ और ही जो इनका कोई विचार है। तो चोरों चोर बोले भाई अच्छी तरह से तुम नाच नहीं रहे हो, हम बात को समझ रहे हैं, बात क्या है। अब बात देखो चोर ही नहीं समझते हैं कि देखो तुम चोर मिल गए और बात फिर क्या है। बात तो यही है जो तुम मिल गए बेचारी ये घबरा गए। अब गवियों ने सोचा कि ये चोर खुश नहीं हो रहे हैं और बस हम नाचते हुए रुके नहीं, हमारे को लूटे नहीं, पहले पहले कोई साधन बनाने हैं वो बना लो, क्योंकि बेचारे कोई बच्चे थे नौजवान थे वो तो नाच रहे थे, उनको क्या परवाह थी। दो चार बूढ़े बडेरे भी थे उनमें, उनका तो सांस भर गया, आंखें निकल गई, मरने वाले हो गए, हाँ उनके तो फड़का उपड़ गया, हार्ट अटैक होने वाला हो गया। तो दूसरों ने सोचा कि भाई इस दादा बड़ा तो मर जाएंगे फिर क्या करेंगे। तो एक गाने वाला जो हारमोनियम बजाता था उसने सोचा कि ये मारवाड़ी भाषा में तो समझने वाले हैं, मगर यहाँ कोई पंजाबी भाषा का जो है अपने प्रयोग करो, ये समझेंगे नहीं, और इनको इनसे बचने का कोई विधान बनाओ। तो वो गविया अपने साथियों को सावधान करके कहता है क्या भाइयो, नवा नाले जुल्म जोर नो कथिक नचावे तीन चोर। अरे बड़े जुल्म की बात है, तीन चोर नौ गवियों को नचा रहे हैं, साथी समझ तो गए। और चोर जो है
वो सोची हाँ अब के दान बहुत बढ़िया आई है, उनको क्या पता कि ये तुम्हारा जो है अपने उद्घाटन करने का प्लान बना रहे हैं। हाँ अब जो है तबले वाले की भी ध्यान में आया, तबले वाले भी जो तबले वाले ने भी धमक लगाई और एक सवैया बनाया, बोला देखो साथियों तबला बाजे धिन्न धिन्न भाई एक है ऊपर तिन्न तिन्न। हाँ भाई एक एक पे तीन तीन हो जाओ और नहीं तो ये हमारे को लूट लेंगे। अब सजनों देर किस बात की थी, तीन तीन गवैये एक एक चोर पे झूम करके पड़ गए और तीनों का कचूमर निकाला और गवैये बेचारे जो हैं मुसीबत से बच गए। चोर चिल्लाए बोले छोड़ो छोड़ो, बोले अब वो कुछ और ही देखो। अब वो गवैये छोड़ने वाले थोड़े ही थे, उनको अधमरा करके छोड़ा। बोलो फिर किसी की चोरी करोगे लूटोगे कसम खाई कान पकड़े तब जा करके उनको छोड़ा, वो भी ले जा करके थाने के हवाले किया। तो सजनों कहने का मतलब क्या है कि जब नौ गवैये थे तो तीन प्रकार की मुसीबत से बच गए, मगर यहाँ हमारे तो पांच प्रकार की मुसीबत लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इनके एक एक विकार के लिए तीन तीन जो है यानी पहलवान चाहिए। तो एक साखी एक भजन एक आरती, ये पंद्रह का विधान पांच विकारों के लिए है। तो पांच भजन पांच साखी हुई। अब आगे जो आप सुनेंगे अब गवा मिले आरती गावा मिले आरती आरत तेरे लगा ओ मा विष्णु सुने तेरे तेरे पार लंगा हाय दे सवा था